पापा पापा मेरी मैडम कितनी मस्त है ना। बेटा मैडम माँ समान होती है। आप तो हमेशा अपना ही फायदा देखते हो। पप्पू बेटा खड़े हो जाओ। जी सर। जो दूसरों को अपनी बात ना समझा सके वो गधा होता है। hey! सर क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पापा पापा मुझे 2000 रुपए देना, मैंने घर का राशन लेके आना है। hey! जब मैं तेरी उम्र का था ना तो 10 रुपए में सब कुछ ले आता था। पापा आजकल दुकानों में CCTV कैमरे लगे हैं। एक काम भी ढंग से नहीं करता तू। सॉरी पापा। अच्छा ये बता कुत्ता देखा है तूने? हाँ वैसी शक्ल है तेरी। hey! लेकिन मम्मी तो कह रही थी कि तू पापा जैसा दिखता है। पापा आपने कहा था ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हाँ हाँ कहा था, तूने ऐसा क्या कर दिया? कल ही मेरी गर्लफ्रेंड को बेटा हुआ है। मम्मी मम्मी गांधी जी के सर पर बाल क्यों नहीं थे? बेटा क्योंकि वो ना हमेशा सच बोलते थे। अच्छा अब समझ में आया कि तुम लेडीज के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं। दादाजी मैंने आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बेटा पूछ। मंदिर में सिर्फ पुरुष ही क्यों पुजारी होते हैं? बेटा ताकि लोग सिर्फ भगवान पर ही ध्यान दे सकें। कौशल बेटा रोज तो तुम मेरे लेक्चर में आंखें नीचे झुका कर देखते हो, आज तुम सामने कैसे देख रहे हो? मैं वो ना। हाँ बोलो, शर्माओ मत। मेरे जियो का पैक खत्म हो गया। तुम्हें मुजरिम घोषित करा जाता है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जज साहब कुछ ज्यादा नहीं, बस आपकी बेटी से शादी, 100-200 करोड़ रुपए, USA का वीजा और 6-7 बच्चे जो आपको नाना नाना कहें और मुझे पापा कहें, और बस फिर मैं उनकी शादी करवा दूं, उसके बाद जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर है। आजी सुनती हो? हाँ जी बोलो। घर पे काम के लिए कोई बाई रखे? नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हारी आदतें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, भूल गए? पहले मैं भी बाई ही थी। चेतन बेटा तुमने कभी कोई अच्छा काम किया है? हाँ सर किया है। बताओ फिर। एक बार ना एक बूढ़े अंकल धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे। अच्छा फिर? मैंने कुत्ता पीछे लगा दिया, जल्दी पहुंच गए। अजी सुनते हो, ये वाली शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है आप पर। चाहे जितनी भी तारीफ कर लो पर साड़ी नहीं मिलेगी। hey! सिर्फ शर्ट ही अच्छी लग रही है। मुंह तो फिर भी कुत्ते जैसा ही है। पप्पू बेटा ये देखो, ये मेरी बेटी है। आई लव यू। चप्पल का साइज पता है मेरी? hey! सर आपकी बेटी की तो अभी से फरमाइशें शुरू होगी। चेतन बेटा बताओ सबसे ज्यादा नशा किस में होता है? जी किताब में। hey! किताब में? वो कैसे? जी खोलते ही नींद आ जाती है। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? तुम्हें कोई पुरानी बीमारी है जो तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे खा रही है। hey! डॉक्टर साहब थोड़ा आराम से बोलिए, वो बाहर ही बैठी है। और भाई बड़े दिनों बाद मिले हो, क्या कर रहे हो आजकल? भाई PhD। वाह डॉक्टर। hey! नहीं नहीं पिज्जा होम डिलीवरी।